संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नया अंदाज देखने को मिल रहा है। पार्टी के साथ साथ विरोधी भी ये मानने लगे हैं कि ये 2014 वाले राहुल गांधी नहीं हैं। राहुल ने खुद को जितना बदला है उतनी ही तब्दीली उनकी टीम में भी आई है। राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर सरकार की नींद हराम कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के अंदाज में आए बदलाव की असली वजह क्या है? क्या राहुल गांधी में आए बदलाव के पीछे बहन प्रियंका का हाथ है? कांग्रेस के एक नेता की माने तो राहुल गांधी ने धीरे धीरे एक ऐसी टीम तैयार कर ली है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह काम करती है। अब तक कांग्रेस पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। राहुल के करीबियों की माने तो उनके टीम की चीफ ऑफ स्टाफ बहन प्रियंका गांधी है। कहा जाता है कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस में सबसे ज्यादा अपनी बहन की ही सुनते हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका की रणनीतियों की वजह से पार्टी के बाकी नेता भी उनका ही लोहा मानते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे भी प्रियंका गांधी का ही हाथ माना जा रहा है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पार्टी प्रवक्ताओं में अनुशासन होने की सबसे बड़ी वजह भी प्रियंका ही है। प्रियंका के निर्देश के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता भी जिस सलीके से मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, उसका असर भी दिखाई देने लगा है। खबरों की माने तो कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला सीधे प्रियंका गांधी को ही रिपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के मुखिया है, वो भले ही पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार है, लेकिन प्रियंका गांधी पार्टी के चुनाव अभियान की अघोषित मुखिया है। वो भले ही कैमरा के सामने नहीं आती है, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वो जिस तरह से अपने काम को अंजाम दे रही है, उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।